हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे पहाड़ से गुजरे जो बिल्कुल सफेद था। वो एक हैरत अंगेज और खूबसूरत पहाड़ था, उसके चारों तरफ फेरे। ताज्जुब हुआ, अल्लाह ताला ने वही भेजी, ए ईसा, इससे भी बड़ी अजीब चीज आपको ना दिखाएं। आपने एक पहाड़ देखा दूध की तरह सफेद, चारों तरफ फेरे, हैरान हुए, इससे भी अजीब चीज आपको ना दिखाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, या अल्लाह जरूर दिखाएं। पहाड़ फट गया, एक शख्स निकला, उसके पास एक सब्ज रंग का आसा था। रोजाना ये रिज्क मुझे मिलता है पत्थर के अंदर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, पत्थर के अंदर तुम कब से इबादत कर रहा है? तो उस शख्स ने जवाब दिया, मैं इस पत्थर के अंदर 400 सालों से इबादत कर रहा हूँ। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गुमान किया, या अल्लाह, इससे ज्यादा इबादत करने वाली मखलूक यकीनन तूने पैदा नहीं की होगी। इतनी इबादत करने वाला बंदा जिसने 400 सालों से ना गुना सोचा, ना गुना करने का गुमान किया और दिन रात इबादत में मशगूल। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जो शख्स उम्मत मुहम्मदी में, मेरे कमली वाली की उम्मत में, शब बारात की रात सिर्फ 2 रकात नफिल अदा करे तो उसे 400 सालों की इबादत से अफजल सवाब दिया जाता है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोले, ए काश मैं भी कमली वाले की उम्मत में होता और मेरे ऊपर भी 15 शोबान की रात आती और मैं भी 2 रकात नफिल पढ़ता और इस 400 सालों इबादत करने वाले शख्स से भी अफजल मकाम पा लेता। सुभान अल्लाह दोस्तों, क्या शान है मेरे आका की।